कमेंट आया था मिस्टर अंकुर कस्तूरे जी का, आप देख रहे होंगे। उन्होंने लिखा, हाँ आज राहुल चंदेल जी ने एक कमेंट और किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा बुलेरो में पेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरी रहता है क्या नहीं ज़रूरी रहता है, उसके बारे में सब कुछ। देखिए बुलेरो में बहुत हैवी चादर दिया है और पता नहीं इन्होंने कैसी मिक्सिंग की है कि इनमें जंग लगने की प्रॉब्लम आती ही आती है, चाहे वो कोई सी भी हो। अब मेरे को इस गाड़ी को 5 साल रहते हो गया। अब एक्चुअल में क्या था, मैं आपको पूरी बात बताऊं, ये पहले गाड़ी मेरी बाहर ही रहती थी, ये शेड रोड पे नहीं रहती थी, ना तो मैंने ये बनवाया था अपने लिए। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसे कुछ काम पड़ा तो मैंने भाई साहब को दे दिया गाड़ी, उन्होंने इतना इसका आधा बैंड बजा के दे दी। क्या बोल सकते हैं अब, कोई चीज़ अगर हो जाए थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। उसका मैं हल्का सा आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये देखिए ये दबा हुआ है और सेम उस साइड पे देखिए वो बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये थोड़ी सी बनी हुई। अब देखिए मैंने पेंट तो करवाया है पर ये देखिए, मैंने फिर कहा कि पूरी गाड़ी पेंट कर दो नहीं तो अलग अलग दिखेगा। ये देखिए पेंट, ये जंग खा रहा है, इधर देखिए पूरा जंग खा रहा है जी, मतलब नया पेंट करवाया हूँ तो ये हालत है। ये देखिए और भी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी जगह है, बुलेरो गाड़ी है इसमें काफ़ी जगह रहता है ख़राब होने के लिए। ये देखिए आप हमेशा कहीं से भी अगर पेंट करवाएं तो हमेशा फीडबैक ज़रूर लें कि वो आदमी पेंट कैसा करता है, अच्छा करता है कि नहीं अच्छा करता, इन सब के बारे में। अब जैसे मैंने ये पेंट करवाया, पेंट का कलर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, मतलब 4K तो नहीं बोल सकते पर एक अच्छा कलर है। पर देखिए पेंट करने वाले ने क्या कर दिया है, ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादा पेंट कर दिया ना, तो यहाँ पर रवारी आ गई है, मतलब बीच में गैप आ गई। आप ध्यान से देखेंगे ये देखिए, उसके बाद आपको दिखाऊं ये देखिए यहाँ पे भी आ गई। तो आप ध्यान दीजिए जहाँ पे अच्छे से पेंट होता है वहाँ पे, चाहे वो एजेंसी हो चाहे बाहर हो। खैर ये मैंने एजेंसी में करवाया, 5 साल की गारंटी दी है, मेरे को तो नहीं लगता चलेगा, अब कौन गारंटी मांगने भी जाए। अब जब आप पेंट या डेंटी पेंटिंग करवाएं तो उसका बहुत ध्यान दें। अभी क्या हुआ कि पेंट तो इन्होंने किया है, अब देखिए ये देखिए क्या हालत कर दी है, इधर देखिए मतलब कोई ढंग ही नहीं है। ऊपर का देखिए टिप, देख रहे हैं आप, मतलब ऐसी जगह पे आप पेंट करवाइए या काम करवाइए जहां पे सही ढंग से काम हो, देखिए वहां पे ये देखिए मतलब हालत ख़राब कर दी है गाड़ी की। तो आप जहाँ कहीं पे भी करवाएं तो उसका ध्यान रखें कि कैसा है। अब मैं उस दिन पे नहीं था, मेरे पिताजी थे, तो पिताजी गए और गाड़ी उठा लाए, मैं दोबारा गया वहाँ पे, पिताजी उठा लाए गाड़ी, दूसरे दिन गए तो वहाँ पे वर्किंग वर्कशॉप पे वही 25-26 साल के लड़के थे, एक तो एजेंट था पर उसने काम नहीं किया था, वही 25-26 साल के लड़के थे। मैंने कहा तुमने तो हालत ख़राब कर दी, पूरा गाड़ी बेकार कर दी, मैं कहा उसको फिर से बनाओ, तो उसने बोला कि सर फिर पंडित जी फिर से बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, और नंबर प्लेट व्लेट सब घुमा दिए थे। मैंने कहा यार नंबर प्लेट भी घुमा दिए, अब यार कभी भी पहचान पर काम मत करवाओ नहीं दिक्कत होती है। वो लड़के बेचारे पहचान के ही थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी हो गया, गलती हो गई, ऐसा है वैसा है, लड़े भी कौन लड़े, क्या मतलब, कोई तुक नहीं बनता। उन्होंने 100-200 की प्लेट के लिए अब बोल दिए कि पंडित जी जाओ, तो पंडित जी चले आए, नहीं कर सकते थे। अब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, नीचे अंदर का पूरा ख़राब कर दिया। मैं कहा कि जो बना है वही बना रहे दो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बाकी आपको पेंट करवाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से रखें 6-7 साल में करवाना पड़ेगा, नहीं तो उसके आगे आप नहीं भी करवाना पड़ता। मेरे अंकल की गाड़ी है सेम बुलेरो है, जबकि वो सिर्फ
मतलब एसी बस रहता है, बाकी उसकी स्टेयरिंग स्टेयरिंग सब क्रॉस स्टेयरिंग रहती है, पावर नहीं रहता उनकी, अभी तक चल रही है। बुलेरो चलती है, देखिए कहीं भीड़ उड़ ना जाए, नहीं तो साल बहुत ज़्यादा जंग लगता है, बहुत ज़्यादा जंग लगता है। मैं तो अभी क्या बताऊँ, मैं तो गाड़ी अभी इसी के चक्कर में, पहले मैं गाड़ी धुलता था, धुलने बंद कर दिया। देख रहे हो आप, देखिए ना पेंट की, और मैं बताऊँ ये देखिए, ये कोई दाग नहीं है ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में पेंट घटिया की है इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखिए ये भी मेरे को अलग से लगवाना पड़ा, मेरे को M2DI वाला CR का नहीं मिला बैच, तो मैं पावर प्लस का लगा दिया। ऐसा लक्स नीचे लगाया था, आपको ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे जो स्पीकर आवाज़ करता है उसकी इतना तेज़ वाइब्रेशन होती है कि वो पट्टी निकल आई। अब उसका 3M टेप इतना अच्छा खासा था ही नहीं कि ऐसा हो गया। अब घर पे रखा है वो, उसके बताइए 400 रुपये लगे, 400 रुपये में तो बहुत महंगा था। क्या हो गया, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब आते हैं आपके कमेंट के बारे में। तो आज कल ही मैंने वीडियो डाली थी, कमेंट आया था मिस्टर अंकुर कस्तूरे जी का, आप देख रहे होंगे। उन्होंने लिखा है कि मेरी स्विफ्ट ZDI दिसंबर 2011 की है, उसमें जो टायर साइज है वो 185/65 R15 का है साइज है। तो उनके दो सवाल हैं, पहला 185/65 R15 साइज में अपग्रेड कर सकता हूँ, अगर हाँ तो कुछ नुकसान तो नहीं है, 185/65 R15 में कौन सी कंपनी का टायर और मॉडल अच्छा है इसमें, इस साइज में, उन्हें गुड ब्रेकिंग चाहिए, नॉइस कम हो, सेफ्टी और प्लेजर मतलब गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आता हो। अब उनका सवाल ये है कि वो 60% प्लेन में चलाते हैं और 40% खड्डे वाले वेरिएंट में चलाते हैं। मिस्टर अंकुर जी, आपने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। एक तो आपने साइज नहीं बताई, जहाँ तक मेरे को मालूम है कि स्विफ्ट में 14 इंच रिम साइज जो होती है R14 होती है, आपने R15 लिखा है। तो मैं स्विफ्ट में देख रहा था कि किसी वेरिएंट में 15 आते, 15 काफ़ी हाई साइज हो जाती है, वैसे भी अपग्रेड ही हो जाता है उसमें, जब आप लगाएंगे तो गारंटी है कि आप लो प्रोफाइल वाला टायर ही लगवाएंगे, चौड़े वाला, 185 तो वैसे भी चौड़ा ही होता है, आप लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं। अगर आपका रिम साइज 14 है तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप 14 रिम पे ही जाएँ, उससे बड़ा आप साइज ना करें। और अगर आपकी रिम साइज 15 ही है जो आपने लिखा है, तो आप उस पे जाएंगे तो आपको अपग्रेड करने की ज़्यादा बड़े टायर लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्विफ्ट में उतना बड़ा टायर आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अब बात आते हैं कौन सा लगवाना चाहिए, तो आपने मेरे को बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया कि 60% आप प्लेन रोड में चलाते हैं, 40% गड्ढे वाले रोड में चलाते हैं, और आपको चाहिए कि ब्रेकिंग भी अच्छी हो, नॉइज भी कम हो। मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, खैर मैं खुद भी आंसर दूंगा। 60% मतलब आप 100 किलोमीटर में 60 किलोमीटर प्लेन में चलाते हैं और 40 किलोमीटर आप खराब रास्तों में चलाते हैं। 60 किलोमीटर चलते हैं तो आप मुश्किल से 30 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, 40 किलोमीटर आप गड्ढे में चलाते हैं ना तो वहां पे आपको 1 घंटे से 45 मिनट लगेगा, लगभग रेशियो बराबर हो गए। तो आपको यहाँ पे नॉइस की कम, आपको ये दिक्कत ये पूछना था कि कौन से टायर कम फटेंगे, कौन से रफ ज़्यादा नहीं रहेंगे, इस बारे में पूछना था, क्योंकि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था। अब आपने चूंकि ब्रिजस्टोन टायर्स की वीडियो में ही कमेंट किया है, तो मेरे को ये 100% है कि आपको ब्रिजस्टोन टायर ही लगवाना रहा होगा, इसलिए आपने ये कमेंट किया। आप लगवा सकते हैं, पर आपकी जो ख़राब रास्ते हैं ना उसमें टायर ये घिसेगा। आपने कहा है कि मुझे बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। मैं तो एक बार आपसे एक बात कहूंगा कि आप ब्रिजस्टोन में आपको लगवाना है तो आप B2990 सीरीज का टायर बहुत अच्छा है, आप उसको लगवा सकते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी है, पर आप खराब रास्तों पे चलाएंगे तो थोड़ा सा मिसमैच होगा। और प्लीज लो प्रोफाइल टायर बहुत कम लगाइएगा, क्योंकि अगर लो प्रोफाइल टायर आपने ज़्यादा किया, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ऐसे भी ये लो प्रोफाइल टायर ही है जो आप बोल रहे हैं, अगर आपने ये चीज़ को यूज किया तो आपको गड्ढे में गाड़ी आराम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक कट लगने का सिर्फ एक बार एक गड्ढे में कूदने का रहता है, बस उसमें आपकी रिम भी गई, आपका टायर भी गया। तो आप उसका ध्यान रखिएगा,
अगर आपको पुराना है तो मैं तो कहूँगा कि स्टॉक में ही आप टायर चूज कर लें अगर हो सके तो, क्योंकि 40% गड्ढे में चलाते हैं तो गड्ढे में, देखिए मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मैं कभी रिश्तेदार के गया हूँगा तो मुश्किल से 10-5 किलोमीटर खराब रास्तों पर चलाया हूँगा, पर परेशान हो जाता हूँ। मेरे यहाँ पे हर जगह पे प्लेन रोड ही है, और आप 40% बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिजस्टोन B290 का या फिर योकोहामा भी अच्छा है, अर्थवन अच्छा है आपके लिए, सारे टायर्स बड़ा अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई टायर ख़राब है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना आ जाए तो बात अलग है। एक चीज़ ज़रूर है कि मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मैं आपको फाल्कन और MRF का आपको सजेशन दूंगा। MRF JBT भी आता है और फाल्कन GX आता है। इस टायर को भी एक बार आप जाके देख लें, ये शायद आपको अच्छा पड़े, कैसा है आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक बार हम लोग एडवाइस देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ये बिल्कुल सही ही होगा। प्लीज़ आप जाके आप आसपास आपका जो डीलर है उनसे पूछिए कि कौन से टायर बेहतर होते हैं। ऐसा नहीं है जो 2-3 ब्रांड रखता हो, ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांड रखता हो उससे आप पूछेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं भैया यही बेस्ट है। ख़राब रास्तों के लिए हमारे इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, CX से भी ऊपर। फाल्कन चूँकि मैंने लगवाया है, मैं भी ख़राब रास्तों पर चलता हूँ, फाल्कन भी अच्छा काम करता है। पर आपने ब्रिजस्टोन की वीडियो में आप कमेंट किया है तो मतलब आपने ब्रिजस्टोन लगवाने का मन बनाया है, तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, पर यही है कि ड्यूरेबिलिटी उसकी कम रहेगी। साथ में आपने 11 बताया तो मतलब 9 साल की गाड़ी है, आपने एक बार टायर चेंज करवाया, 2 बार टायर चेंज करवाया, इसका मेरे को आपने बताया नहीं। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप आसपास से भी पूछ लीजिएगा, आपको प्रॉपर नॉलेज बन जाएगा। मैंने आपको 4 टायरों के बारे में बता दिया, 4 टायर अच्छे हैं, ब्रिजस्टोन B290, योकोहामा अर्थवन, ये दोनों सिमिलर में आएंगे, प्रीमियम में आएंगे, थर्ड में MRF और फोर्थ में आपका फाल्कन। इन दो में से कोई, चारों में से कोई सा भी यूज कर ले। सबसे आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ब्रिजस्टोन की, जो मैंने आपको बता दिया। बजट का तो इशू है ही नहीं, फिर आप कंसिडर कर लीजिएगा। बाकी ऐसी वीडियो आपको आई बटन पर मिलती होगी। हाँ, आज राहुल चंदेल जी ने एक कमेंट और किया है कि उनके पास भी क्रिएटिव बूफर है, उनका पूरा वीडियो बनाना चाहिए। देखिए सब बूफर का वीडियो मैंने गाड़ी में इंस्टॉल किया है, आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं, मतलब सब बूफर घर का होम थिएटर कैसे इंस्टॉल करें। तो मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी में बना दिया था क्योंकि वो मेरी पहली ही वीडियो थी, तो अगली बार मैं उसको अच्छे से बनाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।